हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निर्जंतुकरण और स्टरलाइजेशन के बारे में कि आखिरकार ये क्या होते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप एग्जाम के अकॉर्डिंग आयुर्वेद और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं निर्जंतुकरण की डेफिनेशन के बारे में कि आखिरकार इसकी क्या डेफिनेशन होती है। शल्य चिकित्सा से संबंधित उपकरणों एवं व्रण चिकित्सा से संबंधित बंध इत्यादि को जीवाणु रहित करने की प्रक्रिया को निर्जंतुकरण या निर्जीवाणुकरण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? शल्य चिकित्सा से संबंधित मींस सर्जरी में जो भी यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट है उनको एवं व्रण चिकित्सा से संबंधित बंध इत्यादि को जीवाणु रहित करने की प्रक्रिया को निर्जंतुकरण कहते हैं। मतलब सर्जरी में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, साथ ही व्रण चिकित्सा मींस कहीं भी चोट लग जाती है, घाव बन जाता है, वुंड बन जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो भी हम बैंडेजिंग करते हैं उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना रहे, कोई फंजाई ना रहे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रहकर कोई भी उपद्रव कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न ना करे, उससे बचने के लिए यहाँ पर जो भी प्रोसेस की जाती है वो क्या कहलाती है? निर्जंतुकरण या निर्जीवाणुकरण कहलाती है। आगे बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने प्राचीन काल में शल्य तंत्र के आरंभ में व्रण में जीवाणुओं के कारण होने वाले उपद्रव जैसे शोफ, लालिमा, पूय उत्पत्ति आदि परिवर्तन को देखकर यह पता कर लिया था कि ये परिवर्तन किसी बाह्य अदृश्य कारणों की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने उनको राक्षस नाम दिया। इन राक्षसों से व्रण पर बांधे जाने वाले विकेशिका, कवलिका आदि को, यंत्रों को, शस्त्रों को, शल्य कर्म कक्ष, व्रणिताकार को शुद्ध करने के लिए उन्होंने निम्न उपाय बताए, जैसे धूपन, अग्नि तप्त यंत्रों एवं शस्त्रों का प्रयोग। तो सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो आचार्य सुश्रुत जो थे उन्होंने प्राचीन काल में क्या किया, जब सर्जरी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि कोई भी वुंड हो रहा है, चोट लग रही है, तो उस पर क्या हो रहा है कि यदि उसकी केयर नहीं की जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है, कोई अदृश्य कारणों की वजह से कभी शोफ हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, कभी वहाँ रेडनेस दिखाई देती है, कभी वह पक जाता है, तो ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने इसके पीछे का जब कारण जानने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि कोई बाह्य अदृश्य कारण की वजह से हो रहा है। ये बाह्य अदृश्य कारण कौन थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने उस टाइम राक्षस नाम दिया। अब क्या करना है, उन राक्षसों से वुंड को बचाना है और जहाँ भी हम सर्जरी कर रहे हैं उस एरिया को भी उनसे क्लीन करना है हमें। तो उन्होंने क्या किया, जो भी वो विकेशिका कवलिका क्या होती है, जो भी हम बैंडेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो, साथ ही साथ यंत्र जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, साथ ही साथ सर्जिकल वार्ड है, हमारा ऑपरेशन थिएटर है, उन सभी को क्या करना था, उनको शुद्ध करना था। तो उनको शुद्ध करने के लिए, उनको इन राक्षसों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ उपाय बताए, जैसे क्या करना, धूपन करना। देन सेकंड उन्होंने बताया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, जो भी सर्जिकल हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उनको क्या करना है, अग्नि तप्त कर लेना है, मींस आग में तपा लेना है, ताकि हीट की वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर प्रेजेंट है वो किल हो जाए, और जो भी हम सर्जिकल प्रोसीजर करें उसके बाद किसी भी तरह का उपद्रव उत्पन्न ना हो, कोई भी तरह का कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न ना हो। तो इस तरह के उपाय उन्होंने बताए थे। आगे बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने निर्जंतुकरण को रक्षा कर्म माना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने निर्जंतुकरण को रक्षा कर्म माना है। आगे बात करते हैं तो जैसे कि निर्जंतुकरण के लिए आचार्य सुश्रुत ने दो उपाय बताए हैं, पहला तो धूपन कर्म, देन सेकंड बताया था कि अग्नि तप्त यंत्र और शस्त्र का प्रयोग करना है। अब दोस्तों अग्नि तप्त तो समझ में आता है कि इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है, आग में तपा लेना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। लेकिन धूपन किसके द्वारा करना है, तो धूपन के लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ द्रव्य बताए हैं कि गुग्गुलू, अगरू, वचा, निम्ब पत्र, श्वेत सरसों का चूर्ण, राल, लवण, इनको गोघृत के साथ मिलाकर धूपन कर्म करना चाहिए। अब दोस्तों यदि आपको ये द्रव्य याद नहीं होते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है कि गांव में NSRL से रक्षा। अब दोस्तों आप गांव लेवल पे देखते हैं तो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं उनकी डिमांड ये होती है कि उनको क्या करना है, ड्रिप लगवाना है, बोतल लगवाना है, और वहाँ पर मोस्ट ऑफ क्या यूज़ होती है, नॉर्मल सलाइन जो होती है NS और रिंगर लेक्टेड जो होती है RL, वही ज़्यादातर यूज़ होती है। तो इस तरह से आप दिमाग में रख लीजिए कि गाँव में NSRL से रक्षा, तो गाँव के जी से आपको याद करना है ग्लू, ए से याद करना है अगरू, वी से याद करना है वचा,
एनएस के एन से याद करना है निम्बपत्र, एस से याद करना है श्वेत सरसों का चूर्ण, आरएल के आर से याद करना है राल और एल से याद करना है लवण। तो इस तरह से आपको धूपन द्रव्य बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अब इस धूपन कर्म का किस तरह से प्रयोग करना है, कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, तो इस धूपन के द्वारा व्रण जो वुंड है उसका, व्रणी मीन्स जिस रोगी को व्रण हुआ है उसका, व्रणितागार मीन्स जहाँ पर रोगी को रखा गया है, जो भी सर्जिकल वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर है, उन सभी में जीवाणु संक्रमण नहीं होता है। किसके द्वारा? व्रण के, इस धूपन के द्वारा वहाँ पर क्या होता है, जीवाणु संक्रमण नहीं होता है और व्रण शीघ्र रोपित हो जाता है, मीन्स बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इस तरह से आपको धूपन कर्म याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू की। तो मॉडर्न में इसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं। अब आखिरकार स्टरलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टरलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉय और इलिमिनेट्स ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ एंड इज डन बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। तो क्या है स्टरलाइजेशन? क्या है? ऐसी प्रोसेस जो क्या करती है, माइक्रोबियल लाइफ को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, इलिमिनेट कर देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोलते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा इस प्रोसेस को किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं उसके बारे में समझते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये चार्ट आप समझ जाएंगे तो आगे का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बड़ी इजीली आपके समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि स्टरलाइजेशन जो होता है उसकी तीन मेथड होती है, फिजिकल मेथड, देन सेकंड मेथड होती है केमिकल मेथड, देन थर्ड वन इज गैसियस मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्टरलाइजेशन जो होता है तीन मेथड से होता है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, देन थर्ड वन गैसियस मेथड। अब क्या है, जो फिजिकल मेथड है वो अगेन तीन टाइप की होती है, थर्मल मेथड, रेडिएशन मेथड और फिल्ट्रेशन मेथड। इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड देखते हैं केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड जो होती है वो भी चार टाइप की होती है, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, फिनोल और हेलोजन्स, देन गैसियस मेथड होती है जो कि थर्ड वन होती है। तो ये चार्ट आपको माइंड में रखना है और चार्ट को माइंड में रखते हुए आगे की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं फिजिकल मेथड के बारे में। तो फिजिकल मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड है थर्मल स्टरलाइजेशन। थर्मल स्टरलाइजेशन जो होता है उसका एक नाम और होता है हीट मेथड या फिर हीट स्टरलाइजेशन। इसके अंदर दो टाइप होते हैं, सबसे पहला है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, देन सेकंड होता है इसके अंदर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है उसके अंदर टेम्परेचर 160 टू 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें कितना टाइम लगता है? तो इसके लिए 2 घंटे टाइम लगता है। आगे बात करें कि यह कहां कहां यूज़ में आता है या फिर कौन कौन सी चीज़ों के स्टराइल करने के लिए इस मेथड का यूज़ होता है, तो स्टरलाइजिंग ग्लास आइटम, मेटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल करने के लिए यह मेथड यूज़ किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो थ्रू हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक मशीन होती है जिसके द्वारा इन चीज़ों को स्टराइल किया जाता है। आगे बात करते हैं इसकी सेकेंड मेथड है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है 121 टू 134 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो स्टरलाइजिंग ग्लास आइटम्स, मेटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सिरिंज, नीडल, सर्जिकल गाउन, सर्जिकल स्वेप, इनको स्टराइल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए जो मशीन यूज़ होती है उसका नाम होता है ऑटोक्लेव। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो होता है इसके अंदर बॉइलिंग भी की जाती है, बॉइलिंग के द्वारा जो स्टीम बनती है उसके द्वारा भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टराइल किया जाता है। आगे बात करते हैं सेकेंड मेथड है हमारी रेडिएशन स्टरलाइजेशन। अब रेडिएशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर क्या होगा, रेडिएशन का यूज़ किया जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो गामा रेज होती है या अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है उसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। इसके द्वारा किन किन को स्टराइल करते हैं? तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सूचर्स जो होते हैं, इसके अलावा प्लास्टिक सीरीज, यूनिट डोज ऑइंटमेंट, ड्राई फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उन सभी को स्टराइल करने के लिए ये मेथड यूज़ की जाती है। आगे बात करते हैं फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन के बारे में। तो इसका यूज़ किया जाता है क्लियरिफिकेशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड।
दोस्तों ये जो मेथड है बहुत रेयर यूज की जाती है। इसके द्वारा इसको किसके द्वारा किया जाता है, तो थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर, जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं उनके द्वारा इसको किया जाता है। और जो मेम्ब्रेन जो होती है उसको किसके द्वारा बनाया जाता है, तो सेल्युलोज एसीटेट के द्वारा या फिर सेल्युलोज नाइट्रेट के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो ये पूरा मैटर आपको फिजिकल मेथड के अंदर लिखना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर सबसे पहले आता है एल्कोहल। अब इसके अंदर क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, तो एज ए स्प्रिट इसका यूज किया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये एंटीसेप्टिक होता है, किल फंगल स्पोर्स, फंगल को किल करता है। आगे बात करें कि किसके थ्रू किया जा सकता है, तो इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल इसके लिए यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। आगे बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का यूज फ्यूमिगेशंस ऑफ रूम चैम्बर्स एंड ओटी। तो फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूमिगेशन का मतलब होता है धूपन करना, धुएं के द्वारा क्या करना है, स्टरलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का यूज फ्यूमिगेशन के रूप में किया जाता है रूम्स में, चैम्बर्स में और ऑपरेशन थिएटर के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये सरफेस डिसइंफेक्टिव एजेंट होता है। ये क्या करता है, सरफेस पे प्रेजेंट होने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करता है। आगे बात करें तो इसका यूज किसके द्वारा किया जाता है, क्या इसके लिए यूज किया जाता है, तो इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया जाता है। नोट, फ्यूमिगेशन अचीव्ड बाय बॉइलिंग फॉर्मेलिन। तो जो फ्यूमिगेशन के लिए, फ्यूमिगेशन कैसे अचीव किया जाता है, किस तरह से धूपन किया जाता है, तो जो फॉर्मेलिन होता है उसको बॉइल किया जाता है, तो उसके द्वारा धूपन किया जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है फिनोल। तो फिनोल का यूज किस तरह पे किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो फिनोल क्लोरोक्साइलेनोल, जिसको डेटोल बोला जाता है, हम डेटोल के रूप में यूज करते हैं, वही फिनोल का एक डेरिवेटिव है। आगे बात करें तो सेवलोन। नेक्स्ट है हमारा हेलोजन्स। तो हेलोजन्स भी का यूज कैसे किया जाता है, एंटीसेप्टिक्स के रूप में किया जाता है। और किसके थ्रू किया जाता है, क्लोरीन और आयोडीन कंपाउंड इसके अंदर यूज किया जाता है। आयोडीन कंपाउंड के रूप में टिंचर आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से केमिकल मेथड के अंदर ये निम्नलिखित मैटर आपको लिखना है। आगे बात करते हैं तीसरे मेथड गैसियस मेथड की। इसका प्रयोग ओटी एंड वार्ड स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो केमिकली रिएक्टिव गैसेस सच एज फॉर्मेल्डिहाइड और इथिलीन ऑक्साइड के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारे तीनों मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड गैसियस मेथड के द्वारा स्टरलाइजेशन कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और टॉपिक का नाम लिख दीजिए, मैं आपको इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ जिसने अभी तक मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।